नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल वेद संसार में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम अपने वीडियो में आपको बताएंगे कि गौ पूजन कैसे है लाभदायक। यह तो हम सभी जानते हैं कि हमारे हिंदू धर्म में गौ पूजन का एक खास ही महत्व है। कहते हैं कि जो व्यक्ति गाय माता की सेवा और सब प्रकार से उनका अनुगमन करता है, उस व्यक्ति से संतुष्ट होकर माता उसे अत्यंत दुर्लभ वर प्रदान करती है। वहीं कोई व्यक्ति किसी वजह से तीर्थ पर नहीं जा पा रहा है तो वह गाय की सेवा जरूर करे। ऐसा मानना है कि गाय की सेवा से तीर्थ करने के बराबर का पुण्य मिलता है। आपको बता दें कि गाय की सेवा करने वाले व्यक्तियों के जीवन में सुख और समृद्धि हमेशा ही बनी रहती है। अक्सर लोगों की कुंडली में पितृदोष पाया जाता है, यह फिर शुक्र नीच में राशि में होता है। तो गाय की पूजा अवश्य करें और उसकी देखभाल भी। इस उपाय को करने से आपको बहुत जल्दी लाभ मिलेगा। क्या आपने कभी गोधूली बेला के बारे में सुना है? अगर नहीं सुना है तो हम आपको बता देते हैं। दरअसल गोधूली एक योग होता है। यह योग गाय से ही संबंधित है। जब किसी के विवाह के लिए उत्तम मुहूर्त नहीं मिल रहा होता है या फिर भविष्य में किसी के वैवाहिक जीवन में परेशानियां आने के संकेत होते हैं तो उन्हें लोग दूर करना चाहते हैं, तो गोधूली योग में ही वर वधु का विवाह कराया जाता है, जिससे सभी बाधाएं दूर हो जाएं। शायद यही कारण है कि ज्यादातर विवाह इसी समय में संपन्न किए जाते हैं। वहीं एक मान्यता यह भी है कि यदि कोई व्यक्ति गाय को भोजन कराकर किसी यात्रा पर जाए तो उसकी यात्रा जरूर सफल होती है। यही नहीं, यात्रा से पहले यदि कोई गाय बछड़े को दूध पिलाती नजर आ जाए तो समझ ले कि उस व्यक्ति की यात्रा सफल हो गई। आप भी कहीं उन लोगों में से तो नहीं हैं जिन्हें अपनी जन्म कुंडली में ग्रहों के बीच प्रभाव से परेशानियां झेलनी पड़ रही हैं? तो घबराइए नहीं, क्योंकि आप यह परेशानी गाय की पूजा करके दूर भगा सकते हैं। तो आइए बताते हैं कैसे। जब कभी आपके जन्म कुंडली में शुक्र अपनी नीच राशि कन्या पर हो या शुक्र की दशा चल रही हो तो सुबह के नाश्ते में से एक रोटी सफेद रंग की देसी गाय को 1 महीने 15 दिन तक लगातार खिलाएं। ऐसा करने से शुक्र का नीचत्व और शुक्र संबंधी कुदोष अपने आप ही खत्म हो जाता है। वहीं कुंडली में अगर पितृदोष है तो आप सफेद गाय को रोटी खिलाएं, इससे आपकी पितृदोष हमेशा के लिए दूर हो जाएगा। दोस्तों, जैसा कि हमने अपने वीडियो में बताया कि अगर आप गाय की पूजा करते हैं तो कैसे अपने दोषों से निवारण पा सकते हैं, तो उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया। तो इसे लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, ताकि हम आगे भी आपको ऐसी जानकारी देते रहें, हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।